और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब भाई साहब आज का गेम प्ले बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है क्योंकि तुम्हारा भाई एक स्क्वाड को ऐसे वाइप करेगा ना, तुम भी कहोगे यार तुमने तो थैनोस से ज़्यादा जल्दी चुटकी बजाई और स्क्वाड वाइप हो गई। भाई इतना औसम होने वाला है ना, वो देख के तुमको एकदम जोश आ जाएगा और बीजुमाई खेलने का मन करने लगेगा। लेकिन एक क्वेश्चन है जो तुम लोग मेरे सब उद्दीन से पूछ रहे हो तो मेरे को लगा उसका आंसर दे देते। तो भैया तुम सबको पता होगा हाल फिलहाल के गेम प्ले में तुमने मेरे हाथ में देखी होगी एक M4, सिर्फ M4 नहीं ग्लेशियर M4। पर जहाँ तक तुम लोग जानते हो, अगर तुम लोग मेरे चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हो, मैंने कभी भी ग्लेशियर M4 की क्रेट ओपनिंग नहीं करी। और अगर ऑफ कैमरा निकाला होता स्किन को तो मैं डेफिनेटली आपको बताता। तो भैया वो स्किन मेरे को मिली कैसे? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि उस स्किन को यूज़ करने के लिए मेरे को एक रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ा है। अब यहीं पर तुमको आंसर तुम्हारा मिल जाना चाहिए कि मैंने बोला यूज़ करने के लिए। इसका सीधा सा मतलब है कि वो स्किन मेरी नहीं है, जैसे कि किल मेरी नहीं हो पाई क्योंकि एक हेडशॉट मारता है यार स्नाइपर से। अब देखो इनको तो हमने ठिकाने लगा दिया, लेकिन ठिकाने लगाना है अब हमको M4 ग्लेशियर को। तो देखो भाई तुम सबको पता होगा कि 6 घंटे वाला रोल आ गया है और मैं स्टार्टिंग में रैंक पुश कर रहा था, फिर हैकर हैकर आए, फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर मैंने क्विट कर दिया। तुम खुद सोचो टॉप 600 में था मैं। अरे बुग्गी किल चुराना बंद कर यार। तुम खुद सोचो डुओ के मैं टॉप 600 में था और उसके बाद मैंने क्विट कर दिया, तो हालत तुम समझ सकते थे उस टाइम क्या हो रही थी। भाई इतने हैकर्स थे पूछो मत। अभी फिलहाल थोड़े हालात ठीक हैं तो वापस अगर रिज्यूम करो तो हो जाएगा रैंक पुश, बट अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन बात तो हम M4 ग्लेशियर की कर रहे थे। तो भैया देखो 6 घंटे वाली लिमिट लगी थी और मेरे को गेम प्ले भी निकालने होते थे और फुल टाइम रैंक पुश भी करना होता था। और तुमको पता है रैंक पुश वाले गेम प्लेस कैसे रहते हैं, उसमें ज़्यादा टैक्टिक्स कम कैंपिंग ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मैंने अपने फ्रेंड का एक अकाउंट बोरो करा था जिसमें M4 ग्लेशियर थी, तो वही ग्लेशियर थी जो मैं चला रहा था। और उसी को देख के काफ़ी सारे लोग मेरे को उसे ग्लेशियर M4 को मैक्स करने को बोल रहे थे। तो भाई जो माल मेरा है ही नहीं उसको मैक्स कैसे करूँ? अब यहाँ से तुम लोग कोई गलत मतलब नहीं निकाल लेना कि मैंने कोई अकाउंट खरीदा है। मैंने साफ साफ बोला है कि वो मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किया था, तो इसका मतलब है कि वो अकाउंट अभी भी मेरा नहीं है। मैं बस उसे कुछ टाइम के लिए यूज़ कर रहा था और अभी भी कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ जब मेरे को ग्लेशियर चलानी होती है या फिर कभी मेरा जो टाइम लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। क्योंकि यार मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं गेम ऑन करके साइड में रख देता हूँ, मतलब मैं गेम बंद नहीं करता हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है, मेरा बीजुमाई खुला रहता है और मेरे फ्रेंड्स मेरे से गुस्सा रहते हैं कि तू इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करता। भाई मैं AFK रहता हूँ तो इस वजह से भाई तुम मानोगे नहीं, कई कई बार मेरे घंटे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि मैं iPad रख के कहीं और हूँ। हो भाई अब आगे कहानी मैं तुमको आगे बताऊँगा, लेकिन जहाँ पर भाई पूरी स्क्वाड इनका एक टीममेट हम लोग आगे ही मार आए थे गैराज के पास। अब मैंने इन तीनों को भर दिया था और मुझे पता था यहाँ पर एक बॉट है, बट ये बॉट तो नहीं लग रहा था यार। अब पीछे से बुग्गी मेरे ऊपर चिल्लाया, फारो क्या कर रहे थे, पीछे वाले घर पे बंदा था तुमको मार देता। मैंने कहा अबे मेरे को लगा बॉट है भाई, बॉट का आवाज आया था मेरे को। अब मेरे को यहाँ कोई बॉट नहीं दिख रहा है बट मेरे को साउंड आया था तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। अब यहाँ बुग्गी भी कह रहा था फारो भाई बुड्ढे हो गए आपको भरम होने लगा है, बट मैंने कहा नहीं यार देख बॉट है यहाँ पर। भाई बहुत कंफ्यूजन होता है बॉट की वजह से, बीच फाइट में अगर बॉट आ जाए ना बहुत दिक्कत होता है। मैं तो ये सच बता रहा हूँ, ये चाहता हूँ कि बीच में ऐसा कुछ एल्गोरिथम लाए कि बीच फाइट में बॉट ना आए। अक्सर सारे दो स्क्वाड से लड़ाई कर रहे हो उसमें टपर टपर बॉट बीच में आ जाता है उंगली करने। अब देखो घूम के हम लोग वहीं आए जहाँ से हम लोग ने गेम की स्टार्टिंग करी थी, अपार्टमेंट्स। लगा नहीं था कोई मिलेगा, पर भाई तुम बस देखते जाओ इधर। अब भाई ने स्प्रे तो कायदे से हगा था, तो अब बारी थी इनको ठोकने की। जाओ बेटा धो के आओ, हगोगे तो धोना तो पड़ेगा ना। तो ये भाई साहब तो डायरेक्ट फिनिश हो गए थे, ये अकेले थे। थोड़े से हम निराश हुए बिकॉज हमको लग रहा था पूरी स्क्वाड यहाँ पर होगी, लेकिन वो बोलते हैं ना बहादुरों को साथ ही किस्मत देती है, और भाई हमको यहाँ पर स्क्वाड चाहिए थी। किस्मत ने बोला ठीक है फारूक भाई तुमको स्क्वाड चाहिए, ये लो स्क्वाड। What the hell? कितने मारे मैंने? चारों मारे क्या? भाई साहब
यार मैंने तो बस आखिर के दो ही नोटिस करे भाई, लेकिन जो भी हो मौज आ गए भाई। तभी यहाँ पर एक बाइक आई। अब भाई ये बाइक वाला तो बच गया, लेकिन था बहुत दो। अब यहाँ पर हम इसके पीछे फॉरन गाड़ी लगा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा सा वेट करा। हम चाहते थे कि वो रुके, हील करे। अगर हम फॉरन गाड़ी दौड़ा देते ना पीछे, तो वो रुकता ही नहीं कभी और बाइक को नहीं पकड़ पाते अपन, यार बहुत आगे थी वो। तो यहाँ पर जो हम लोग सोच रहे थे वही हुआ। बाइक वाला रुका लेकिन थोड़ा आगे, लेकिन हमको कोई और मिल गया। अब इन भाई साहब को तो बजा दिया, लेकिन इनकी टीम आगे किसी और टीम से लड़ रही है, और बाइक वाला किस टीम का है हमको पता नहीं है, बट उसने अभी भी गाड़ी चेंज करी है ये बताया। अब तुम सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता कि बाइक वाले ने गाड़ी चेंज करी है। तो सबसे पहले मेरे को एक बग्गी जाती दिखाई दी थी, ठीक है, तो किसी ने तो वहां से गाड़ी निकाली है, वहां पर बंदे भी है। और दूसरी बात ये है कि देखो सामने बाइक भी पड़ी हुई है, तो आई थिंक बाइक वाले ने बग्गी वहां से उठाई है, वहां पर एक बग्गी स्पॉन होती है। तो बाइक वाला आगे लड़ रहा है, तो हम उसको पीछे कैसे छोड़ सकते हैं भाई? हम जाएंगे उसकी हेल्प करने, उसके दुश्मनों को ठोकेंगे और साथ में उसको भी। ओ भाई ये क्या रिकॉइल है यार। चलो बेटा शट को। तो यहाँ पर एक और स्क्वाड वाइप हो चुकी थी। अब सच बताओ ना, तो यहाँ पर मेरे को लूट बिल्कुल नहीं चाहिए थी, मेरे को सिर्फ चाहिए थे बंदे। तो भाई जैसे हमको एक फ्लेयर दिखी ना, हमने फ्लेयर के पीछे लगाई गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर लूट भी मिलेगी और बंदे भी, मतलब कि पांच उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। ओके, तो शुरुआत बहुत ही प्यारी हुई थी, मेरे को एक नॉक मिल गया, मैं तो बड़ा खुश था। और ज्यादा बंदे बच भी नहीं रहे थे, तो चिकन आराम से निकल जाना था। 28-28 किल का गेम प्ले आराम से, लेकिन 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 तभी मेरी उम्मीदों पे पानी फिरा। मैं सामने की तरफ जा रहा था क्योंकि वहां से फायर हुआ था, बट मेरे को किसी और ने डाल लिया यार। सप्रेसर के साथ बाइजन चला रहा है ये बालक। अब यहाँ पर बुग्गी के कंधों पे सारी जिम्मेदारी थी, और तुमको पता है कि जो बंदा गेम की स्टार्टिंग में नो स्कोप हेडशॉट मार रहा था, वो भी मुझे नगर नेट से, वो चिकन तो यहाँ पर निकाली देगा। लेकिन इस बंदे की कुछ अलग ही टाइप की खुजली है। हम लोग लड़ते हैं गन से, लेकिन इनको क्लिप्स बनानी होती है, ठीक है। तो ये भाई साहब लगे थे नो स्कोप चपकाने में उस बंदे को, और घंटा ही सैंकल से नो स्कोप पड़ेगा उसको। अब नो स्कोप नहीं लगा तो तवा फेंकने लगे। अब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही जोश में थे बोगी भैया, इनको लगा था ये क्लच कर ही देंगे, बट सामने वाले ने भर दिया। सैड लाइफ यार।